अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ज़ीशान मलिक और आप देख रहे हैं प्रोग्राम हम लोग। नाज़रीन, कोई भी कौम कितनी महज़्ज़ब तालीम याफ्ता और नज़्म व ज़ब्त की पाबंद है, इसे जांचने के लिए बहुत से पैमाने मौजूद हैं, उनमें से एक ट्रैफिक भी है। तरक्की याफ्ता ममालिक में ट्रैफिक के कवानीन की पाबंदी की जाती है और ये ख्याल रखा जाता है कि और कुछ हो सो हो, लेकिन रूल्स को ब्रेक ना किया जाए, तोड़ा ना जाए। पाकिस्तान भी उन ममालिक में शामिल है जहां आबादी में दिन ब दिन इजाफा हो रहा है। जहां आबादी बढ़ रही है, वहीं गाड़ियों, मोटरसाइकिलों और दीगर जो व्हीकल्स हैं उनकी तादाद में भी रोड पर इजाफा हो रहा है। बड़े शहरों जिनमें बिलखसूस पंजाब के दारुल हुकूमत लाहौर भी शामिल है, यहाँ पर भी सबसे बड़ा मसला ट्रैफिक का ही है। अब रमज़ान मुबारक का महीना है, रोज़ा सब्र का दर्स देता है, मगर हमारे यहाँ अगर बेसब्री देखनी हो तो इफ्तार से पहले सड़कों पर दिखना चाहिए। लोगों की यही कोशिश होती है कि वो बस जल्द अज जल्द घर पहुंच जाएं। इसमें ट्रैफिक कवानीन को पामाल करते हुए बिल्कुल भी नहीं सोचते हैं वो। उसका नतीजा ये निकलता है कि हम ट्रैफिक बेहंगम देखते हैं और वार्डन्स अपनी जिम्मेदारियां अंजाम करते हुए नाकाम हो रहे होते हैं, और इसमें जो कसूरवार है वो सिर्फ और सिर्फ आवाम ही है। अब जो ट्रैफिक पुलिस है वो इन चैलेंजेस से किस तरह से नबर्दाजमा हो रही है और क्या क्या तब्दीलियां लाई गई हैं, इसी पर बात करने के लिए मैं मौजूद हूँ CTO लाहौर जनाब लियाकत अली मलिक साहब के साथ। बहुत शुक्रिया मलिक साहब आपके वक्त का। थैंक यू वेरी मच। आपने जो इंट्रो आपका था ना, उसमें आपने मेरी सारी कहने वाली बातें आपने खुद कह दी। आप यही फील कर जी, मैं बिल्कुल एग्जैक्टली जो आप मैं सोच रहा था कि मुझे कहना चाहिए, आपने उससे ज़्यादा ब्लंट और सख्त लफ्ज इस्तेमाल किए। तो सर, इसका हल क्या है? ये जो हम लोग जिस बात पर हमें परेशानी हो रही है या हम रो रहे हैं, ये कैसे दूर होंगे हम सारे? देखिए जी, इसके हल में जो सबसे पहला हल है जो आपने खुद बताया वो ये है, हमारे रवैये। दुनिया में कहीं भी इन्फोर्समेंट डंडे सिर्फ डंडे के जोर पे नहीं होती। 90% काम जो है लोगों को खुद एहतसाबी से और अपने आप को कोई खुद जो है ना उसके एक जिसको आप कहते हैं एहसास हो जाना ठीक काम का, उससे हो जाता है। हमारी बदकिस्मती ये है कि आपने कहा ना कि कानून का एहतराम होता है, यहाँ कानून शिकनी को फ़ख्र समझा जाता है। अभी हम जाएंगे आपको किसी जगह, एक दो जगहों पे मैं आपको वैसे रूटीन में आप देख लेंगे, खुद ही ऑब्जर्व कर लेंगे कि एक वार्डन खड़ा होगा एक बंदे का, वो चालान कर रहा है, चार पांच उसके साथ से या सिग्नल जंप करके जा रहे हैं या बगैर हेलमेट के जा रहे हैं या रॉन्ग साइड से जा रहे हैं, और बड़े फख्र से पीछे मुड़ के देख रहे होंगे कि देख लें असी पर तेन दाल आ ले, मसरूफ है कि तू देख ले, तू कुछ भी नहीं कर सके ना, तू हार गया ना। दे डोंट रियलाइज कि ये नहीं हारा आप हार गए, ये नहीं हारा आप हारे हैं, ये नहीं मरा दरअसल आप मर गए हैं, आपका ज़मीर मर गया है। अगर अंदर जिंदा हो, कौन बंदा है जो खुद देख के खुदकुशी करना चाहे कि जनाब यहाँ मैंने मर जाना और फिर भी उधर जाए, तो रॉन्ग साइड वाला जाता और फिर बड़ी तमतराक के साथ वो बहस भी करता पूरे उसके साथ जो है ना, वो फिर अपने जितने उसकी नॉलेज है उसके साथ वो बहस करता कि कोई गल नहीं अब 50 मीटर ही तो गलत गया। वो ये रियलाइज ही नहीं करता कि मैं 50 मीटर गलत जाते अगर राइट साइड तो आंदा गड्डी थले आ जाता मैं, तो मेरे बच्चों का की बनता, बीवी का की बनता, कारण है। तो ये जो रवैये हैं ना हमारे, जब तक वो चेंज नहीं होंगे ना, बहुत सारे मालिक हैं जिधर दो दो दिन ट्रैफिक जैम हुआ लेकिन कोई बंदा गाड़ी से इस तरह नहीं हुआ कि उन्होंने आके तो रॉन्ग साइड से गाड़ियाँ लॉक कर ली आके हेड ऑन, कहीं ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने अपनी जो है ना वो गाड़ियों की कतार नहीं टूटने दी, उन्होंने गाड़ियों से उतर के सारे रैपर नीचे नहीं फेंक दिए। कल मैं एक जगह से जा रहा था रोड के ऊपर, तो मेरे सामने एक गाड़ी थी, तो उसने कोई जो है ना, ये शाम की बात है, कोई चीज़ जो है ना पीने के बाद कोई बॉटल जो है ना वो पीछे कैन फेंका मेरे पीछे की तरफ, उसको नहीं पता पीछे मैं आ रहा हूँ, तो सारे वो पीछे गाड़ी में लगा आके। तो जब मैं करीब से जाके उसको देखा तो वो साहब ऐसे था जैसे ट्रांसपोर्टर 3 मूवी में वो काम कर रहे हैं ना, उनका स्टाइल ये था। यानी हमारा सोच ये है कि हम अपनी गाड़ी नहीं गंदी होने देनी, बार बार पूरा शहर तबाह हो जाए, मुल्क पूरा गंदा हो जाए, तो महज़ब माशरों में तो वो एक दिन का बाहर नहीं फेंकते। सर, ये जब रोकते हैं ट्रैफिक वार्डन, 3 मराहल आते हैं जहाँ तक मैंने भी देखा है, पहले धौंस जमाई जाती है, उसके बाद तरले और उसके बाद धमकियाँ, यानी पहले हमारा चालान ना होने दो रोक डाला जाता है। तो ये किस तरह से आप लोग क्या ट्रेनिंग इसके लिए बाकायदा दी है कि किस तरह निमटना है? हर सूरत चालान अगर किसी ने कानून चेक नहीं की है तो करना ही करना, इससे भी आगे का काम होता अच्छा है। आज सुबह का आपको बताता हूँ कि मैं पीको रोड पर जा रहा था, तो एक साहब जो है मैरून, उन्होंने शर्ट पहनी थी, ब्लू जीन्स पहनी हुई थी, हेलमेट पहना हुआ था उन्होंने, मोटरसाइकिल पे वो एक अकबर चौक से ऐसे निकले हैं
कि उन्होंने पूरी कोशिश की है कि वो किसी गाड़ी के नीचे आके मर जाए, क्योंकि इशारा बंद था उनका और दूसरी साइड की ग्रीन थी, तो वो उसको इशारे को अपने को वायलेट करते हुए गए और बड़ी मुश्किल से बचे हैं, लेकिन वो बड़े फ़खर से गए हैं, मैंने अनाउंस करवाया, अगले इशारे वाले ने उनको रोक लिया। तो ज़ाहिर है मैंने तो जब इशारा खुलता तो भी नहीं जाना था, तो मैं लेट पहुंचा। जब मैं वहां पहुंचा तो वो साहब उतर के मेरे वार्डन के जो है ना वो बिल्कुल गिरेबान तक पहुंचे हुए थे कि तुमने मुझे रोका क्यों है, मेरा कसूर क्या। आई हैड टू इंटरवीन और मैंने उसको कहा कि लॉर्डशिप आप पिछला इशारा तोड़ के आए हैं। वो नहीं मानेगा। मैं कह यार मैं और मेरे साथ पीछे 8 बंदे हैं जो गवाह हैं, कुछ खुदा का खौफ करो। तो ये हमारा रवैया है। उसके थोड़ा ही आगे रॉन्ग साइड से एक बच्चा बाइक ड्राइव कर रहा, उसकी नंबर प्लेट दोनों ही नहीं है, और पीछे एक खातून बैठी रॉन्ग साइड से आ रही, हमारे एक पेट्रोलिंग ऑफिसर ने उसको रोका। वुड यू बिलीव कि वो जो पीछे बीबी बैठी हुई थी वो बुजुर्ग औरत थी, वो वार्डन के साथ उन्होंने थप्पड़ ही नहीं मारा, बाकी सारा कुछ किया। और इर्द गिर्द तमाशाई आ जाते हैं, इर्द गिर्द तमाशाई वीडियो बनाने वाला एक भी टकर जाता, वो तो शुक्र है अफ्तारी की, अब रमजान की वजह से हम हमारी कौम 11 बजे की बजाय 2 बजे सो के उठती है, तो एक भी वीडियो बना लेता तो एडिट करके सबने चलानी थी कि देखे जी गरीब औरत के ऊपर ट्रैफिक पुलिस का बेजा तशद्दुद और पता नहीं क्या कुछ चलना था उसमें। नोबडी रियलाइज। मैं क्या मां जी तुम गलत साइड तो आ रहे हो, अगर तुम गड्डी थले आ जाओ तो की बने। तो मैंने कहती जी फिर की हो गया जो गलत आ गया, तो थोड़ा जहा ही तो गलत आए हैं। तो ये असल में हमारे चालान से भी कौम दुरुस्त नहीं हो रही है, अगर एक्सीडेंट्स से भी कौम दुरुस्त नहीं हो रही तो फिर हल क्या है जी? सर देखे ना, दहशतगर्दी में हमारे कितने लोग, हजारों में लोग शहीद हुए हैं, आम शहरी भी शहीद हुए हैं, ये नहीं कि पुलिस वाले और आर्मी वाले ही शहीद हुए हैं, आम शहरी भी शहीद हुए हैं। क्या उसके बावजूद हम जब किराएदार रखते हैं कभी हमने वेरिफिकेशन की कि ये बंदा कौन है कहाँ से आया है? तो हम तो नहीं डरते, हम कहते हैं कोई बात नहीं, साथ वाली गली में 10 बंदे शहीद हुए हैं ना मस्जिद में, कोई बात नहीं, अल्लाह मालिक हम तो बचे हुए ना, नहीं साढ़े तक तो कोई नहीं ना आया, साढ़े तक हमारे घर आगे लगी तो हम समझते हैं कि हम समझते हैं बाकी सारे में हम महफूज हैं। इसी तरह ही हम साए में हमारे बम रखने को बंदा तैयार कर रहा हो, हमें पता चल जाए तो हम कहते हैं अल्लाह जी की लोड़ है दुश्मनी बाण दी सानू तो कुछ नहीं ना कहते। तो ये हमारे वो रवैये हैं जो हमें बदलने होंगे। जब तक हम ये नहीं बदलेंगे ट्रैफिक का लोड भी मैनेज हो जाता है। माल रोड पर एक घंटे में 13,500 गाड़ी गुजरती है, 1371 एहतजाज हुए हैं पिछले साल, इसका मतलब 4 एहतजाज पर डे लाहौर में, तो इसका मतलब अगर 4 जगह से लाहौर एक घंटा 4 दिन एक दिन में जो है ना ब्लॉक रहे तो आप देखें कि 1,00,000 गाड़ी तो फंस गई ना, उसको निकालने में आपको 4 घंटे लगेंगे कम से कम, ठीक है। तो ये हम आराम करते हैं, हमारा तो ये जो ग्रीन रेड के बाद जो येलो लाइट आती है आपको पता है उसका डायरेक्ट रब्ता किसके साथ है? जो आपकी गाड़ी के पीछे बंदा खड़ा होता है उसके हॉर्न के साथ, उंगली के साथ होता है, क्योंकि जो ही रेड से वो येलो होता है तो वो पां शुरू कर देता है। इतना हमारा सबर है। हालांकि तौहीन समझा जाता है कि हॉर्न देना सड़कों पर, लेकिन यहाँ मुहज्जब माशरे में फख्र समझा जाता है, यहाँ हम फख्र से ये काम करते हैं। सो मच सो पिछले दिनों हम एक जगह पे रोड के ऊपर इफ्तारी तकसीम कर रहे थे कि लोग लेट हो रहे हैं तो उनको इफ्तारी दे दें, और इशारा बंद था, तो जब हम इफ्तारी तकसीम कर रहे थे तो पीछे से लोगों ने पां शुरू कर दी, जैसे शायद पता नहीं हम लोगों ने कोई क्या हम ये हमारे रवैये हैं। हम वो लोग हैं जो एक गोरे ने लिखा था कि मैंने एक बंदे को साइकिल के ऊपर जो है ना इस तरह ट्रेन के आगे से गुजरते देखा कि जैसे पता नहीं इसको क्या इमरजेंसी है, तो थोड़ी देर बाद ट्रेन जब गुजरी में आगे गया तो देखा तो एक जगह बंदर तमाशा साइकिल के ऊपर खड़े होकर देख रहा था। हम ये इमरजेंसी वाले आमतौर पर ये समझा जाता है कि तालीम से शऊर आता है, लेकिन यहाँ 35-40 हज़ार की मोटरसाइकिल वाला हो या 35-40 लाख की गाड़ी वाला हो, वो सेम उनके रवैये हैं ट्रैफिक रूल्स की वाले। उसकी पहली बात ये होती है जब रोकें जो आपने पहले कहा तो मैंने जानता नहीं, और जब उसको कहें कि सर मैं वाकई नहीं जानता, मुझे क्या पता कि आपके क्या है जो है ना शजरा नस्ब क्या है, मुझे नहीं पता वाकई, तो फिर अगला काम वो फ़ोन निकालता है। जो काम नहीं करता वो ये है कि उसको पहला काम ये करना चाहिए कि जी मैंने गलती क्या की है, वो कहे जी ये की, अच्छा जी आई एम सॉरी, आइंदा रिपीट नहीं करूँगा, तो वो बंदा वार्निंग दे के छोड़ देगा। आई श्योर यू वो बंदा वार्निंग दे के छोड़ देगा, लेकिन हम कहते हैं हमारी तौहीन हो गई है। पिछले दिनों एक बंदे ने मुझे कंप्लेंट की कि जी मेरे एक फलां साहब हैं बहुत बड़े आदमी हैं, तो उनकी बहू को आपके वार्डन ने गाड़ी को रोका, तो आप कहते थे ये तब्दीली है, ये तब्दीली आपके औरतों के साथ लोग बदतमीज़ी कर रहे हैं, उन्होंने मुझे बड़ा लंबा लेक्चर दिया। मैंने कहा जी मुझे वो बदतमीज़ी स्पेसिफिक बताएं क्या हुआ। मैंने कहा जी देखें वो खातून है उसको रोका है। मैं कहा जी किस बात पर रोका है? कि जी उनकी गाड़ी पर LED क्यों लगी हुई थी। मैं कहा जी LED लाइट्स अलाउ हैं?
मुझे क्या पता, तो मैं आपको बताता हूँ एलईडी लाइट अलाउ नहीं है। जब बंदा अपोजिट साइड से आ रहा है उसकी आंखों में पड़ती है तो एक वो ब्लाइंडिंग इफेक्ट देती है, एक्सीडेंट हो जाते हैं। तो नहीं, उन्होंने फिर ना वो उसी तरह ही, वो इस वक्त बहुत हाई पे डिस्टल पे थे ना तो वो नीचे नहीं आ रहे थे। तो ये तब्दीली है हुकूमत की और ये फलाना। मैंने कहा जी आपकी गाड़ी को रोका? कहते जी रोका। मैंने कहा कौन थे? उन्होंने कहा जी खातून चला रही थी। मैं कहा उसके बाद उन्होंने तारफ भी करवाया? कहते जी। मैं कहा उसके बाद उसने चलान दिया? कहते जी। तो मैं कहा ये तब्दीली है कि आपकी इतने महंगे ब्रांड की गाड़ी, जिसको आप समझते हैं कि ये जो पुलिस वाले हैं ये तो गली के कीड़े हैं, और उस पुलिस वाले ने उसको रोक लिया, जुरत की उसने रोक लिया। दूसरी बात, इतने बड़े घर की खातून और उसने तारफ करवाया और पुलिस वाले ने नहीं छोड़ा, ये दूसरी तब्दीली है। और तीसरी बात, उसने तारफ के बाद चलान भी दिया फिर भी नहीं जाने दिया, तो ये तीसरी तब्दीली है। और चौथी तब्दीली ये है कि आपके इतना शोर डालने के बाद हुकूमत में से किसी ने मुझे नहीं पूछा कि आपने इसका चलान क्यों किया, ये चौथी तब्दीली है। और हमने बंदा भी सस्पेंड नहीं किया, तो मैं क्या और तब्दीली आप किसको कहते हैं? सिफारिशें आती हैं, फोन आते हैं आपको? नहीं सर, नहीं सर, लोगों को समझ आ गई कि ये पागल है, अभी नहीं करते। ये ऐसी कामयाबी है आपकी? ये नहीं, मुझे नहीं जी, मैं आई एम ग्रेटफुल, मुझे लोग, मुझे बिल्कुल लोग अप्रोच नहीं करते। और दूसरी बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, दूसरा इंटरेस्टिंग फिनोमेना ये है कि लोग मेरा तारफ भी वार्डन को नहीं करवाते। अच्छा, क्योंकि चलान ना हो जाए? नहीं नहीं, कुछ नहीं है ना कि वार्डन वैसे शायद छोड़ दे, जब उन्होंने मेरा नाम सुना तो, क्योंकि वार्डन इतना गुस्सा करते हैं कि ये मैं, क्योंकि मैं सख्ती करता हूँ जाहिर है, ड्यूटी के लिए करनी पड़ती है, तो कहते अच्छा तू जीडीओ साहब तक जाने ना ले, पढ़ फिर डबल कोर्ट से चलान। तो उसका मुझे बड़ा फायदा है। कुछ जगहों पर कुछ ऐसी वायलेशंस भी हैं जो खतरा भी हो सकती है लोगों की जिंदगियों के लिए। मैं अब जेल रोड की मिसाल देता हूँ। सर्विसेज के सामने एक यूटर्न बनाया गया जो सिर्फ मखसूस है एम्बुलेंस के लिए, लेकिन अक्सर हम देखते हैं वहाँ से मोटरसाइकिल सवार गुजर रहे हैं, कुछ साइकिल सवार गुजर रहे हैं, इवन रिक्शे वाले वहाँ से गुजर जाते हैं। अब सवाल ये है, चलान एक हद तक हम रोक सकते हैं लोगों को और पाबंद कर सकते हैं, लेकिन इसका मुस्तकिल शऊर देना चाहिए, वो शऊर देना किसका था? जी मैं आपको बताता हूँ जी, एक तो हमने हमारी जो मिनिस्टर एजुकेशन है उनसे भी बात हुई है, इट्स वेरी काइंड, हमने सेक्रेटरी एजुकेशन को भी लिख के भेजा है कि एक तो ज़ीरो पीरियड शुरू किया जाए स्कूलों में और कॉलेजेस में ट्रैफिक एजुकेशन के हवाले से, ये बड़ा ज़रूरी है। जब हम बचपन में थे, जब उर्दू मीडियम, हम तो उर्दू मीडियम के ही नहीं पंजाबी मीडियम लोग हैं, तो उस वक्त ट्रैफिक के ऊपर एक मजमून होता था चौथी पाँचवीं जमात में, तो वो होना चाहिए ताकि लोगों को एक एहसास हो इस चीज़ का। दूसरी जो इम्पॉर्टेंट बात ये है, इस वक्त एक्सपेक्ट ये किया जाता है कि हर एक इंच पे एक वार्डन हो, जो मैंने शुरू में बात की है, जहाँ वार्डन नहीं है वहाँ हम वायलेशन कर रहे हैं। इट्स नॉट ह्यूमनली पॉसिबल कि 1772 स्क्वायर किलोमीटर के एरिए को हम कवर कर लें वार्डन के साथ फिजिकली। तीसरा ये है कि जेल रोड की आपने स्पेसिफिक एग्जांपल दी, तो जेल रोड सिग्नल फ्री कॉरिडोर है, वहाँ पे जो यू टर्न बने हुए हैं उनमें टेक्निकली कुछ इश्यूज हैं, वो हमने ऑलरेडी एवेल्यूएशन के लिए कमिश्नर साहब ने वो करवा रहे हैं, उसके ऊपर काम करवा रहे हैं, उसमें टेक्निकली इश्यूज हैं। मसलन आप जब निकलते हैं ना सर्विसेज से, तो जो पहला यू टर्न आपको मिलता है वो आपको मिलता है शादमान वाले ब्रिज के ऊपर से, वो जो मस्जिद है वहाँ से। तो जिसने शादमान की तरफ जाना है ना, चाइना चौक की तरफ जाना है, वो आगे से उसका यू टर्न है आगे ईडन वाला जो एलओएस के सामने से था। तो जिस बंदे ने वहां से जाके आना है वो कहेगा कि ये मैं शादमाने वाले यू टर्न से 100 मीटर रॉन्ग साइड से जाता हूँ, तो मैं चला जाऊंगा, तो हम तो वो लोग हैं जो 50 मीटर राइट जाने के बजाय 10 मीटर रॉन्ग साइड से जाते हैं, हम 10 बच्चे भी मरवा लेते हैं साथ में, आप रोज की एग्जाम्पल्स हैं। तो वो टेक्निकली यू टर्न जो है उनका इशू है। फिर पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग्स का इशू है, पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग के साथ हमारा अगेन हमारी साइकी का इशू है। हमारी साइकी ये है कि पेडेस्ट्रियन ब्रिज हो भी तो हमने ऊपर से नहीं जाना, ट्रेडमिल के ऊपर या डॉक्टर को हम लाख रुपया दे के लिपोसेक्शन करवा लेंगे और आपने टमी टक करवा लेंगे, लेकिन एक्सरसाइज करके नहीं हमने जाना। सही, हमने जहाँ से पाँव रख दी है ये जमीन हमारी है और ये सड़क हमारी, हम वहीं से गुजरेंगे। अब हम वाहद कौम है, सड़क के दरमियान में अगर जंगला भी लगा हो तो हमने उसमें भी सरिये टेढ़े करके उसमें से गुजरने की जगह सारी महारत में इस्तेमाल की जाती है। तो ये हमारी साइकोलॉजिकल इशूज है। ठीक ठीक है ना, उसमें हमने वहाँ वार्डन लगाया होता है नॉर्मली, वो वार्डन जो ही बेचारा यू टर्न पे जाता है, वो दो यू टर्न है ठीक है, और सेंटर में एक स्टेट काट है एम्बुलेंस के लिए, क्या इमरजेंसी के लिए गुजरते हैं, यू टर्न में लंबा पड़ेगा उसको, वहाँ हमने प्लास्टिक के बैरियर आपने देखा होगा पड़े होते हैं ठीक है ना।
अगर हमारा वार्डन वहां से हटके इस यू टर्न पे चला जाए तो लोग वैरियस साइड पे करके गुजर जाते हैं। जस्ट वेट कि हम वायलेशन कहां से कर सकते हैं। तो इट हैज समथिंग विद द साइकोलॉजिकल बिहेवियर। नफ्सियाती तौर पर ये सारी बातें हैं और आपने सीडीओ साहब की गुफ्तगू सुनी है, जो खुद वो फील करते हैं, जो एहसास उनको है वो आप तक उन्होंने पहुंचाया। बहरहाल हम सड़क पे जाएंगे, लोगों से न सिर्फ बात भी करेंगे बल्कि आपको दिखाएंगे कि किस किस तरीके से ट्रैफिक कानून की पामाली की जाती है। और मैं यहाँ पे एक चीज ऐड करना चाहूंगा कि आप किसी भी जगह किसी अस्पताल के बाहर खड़े हो जाएं और आप 3-4 मिनट वहां इंतजार करें, आपको यकीन हर गुजरते सेकंड के साथ हॉर्न की आवाज आएगी। ये जुर्म बहुत बड़ा जुर्म है, ये गुनाह भी है। ये जुर्म तो है ही है, ये गुनाह भी है कि आप अस्पताल के तकद्दस को भी पामाल कर रहे हैं। अंदर मरीज जेर इलाज हैं, आप किस तरीके से उनको अजियत से दोचार कर रहे हैं। खुदा ना खास्ता हम खुद अगर मरीज के तौर पर अस्पताल में मौजूद हो और बाहर से शोर शराबा सुनाई दे तो हमारे ऊपर क्या गुजरेगी। तो ये अगर एक एहसास हम कर लें तो शायद इस कानून शिकने से जो है हम दूर रहें। बहरहाल अब सड़क पर चलते हैं और देखते हैं कि हम खुद बहसियत कौम क्या क्या कारनामे अंजाम दे रहे हैं। लाहौर के रीगल चौक में इस वक्त मौजूद हैं हम और यहाँ ट्रैफिक के कमालात देखते हैं। सीडीओ साहब मेरे साथ हैं। जी सर, आप ये देखें जी, ये जगह क्या है और ये गाड़ी खुली देखें और ये अंदर देखें साहब कर क्या रहे हैं। अच्छा, ये इस काम का क्या कर सकते हैं, इसने फुटपाथ पे गाड़ी चढ़ा के दोनों दरवाजे खुले हैं, जो मर्जी अंदर आके लग जाए, आप इसका कुछ भी नहीं कर सकते। लेकिन सर मैं बहुत बड़ा फैन हूँ। अच्छी बात है जी। ये आगे चलते हैं और कुछ लोगों से भी बात करेंगे, उसके साथ साथ दिखाते हैं आपको किस तरीके से ट्रैफिक को रवा नमा रखा जा रहा है। मैं आपको ये दरख्वास्त करूँगा कि यहाँ खड़े हो जाएं, कैमरा इस तरफ को लगा लें, आप देखें कि कितने लोग इतने वार्डन्स की मौजूदगी में भी रेड लाइट की वायलेशन करते हैं। आप देखिए, ये रिक्शा, एक रिक्शा ये देखें, ये दिखाएं जरा, दिखाएं वो, दिखाएं ये रिक्शा सेंटर में बिल्कुल जिस तरीके से जा रहा है ऊपर, ये देखिए इस तरफ गया, उस तरफ उसके अपोजिट से, ये देखिए मोटरसाइकिल। अभी ये वार्डन बेचारे, 3 वार्डन खड़े हैं और देयर स्टॉपिंग देम। भाई भाई पीछे आप पीछे आते हैं, आप इनसे पूछें सर ये स्टॉप लेन है, आप जरा पीछे हो जाए ना, देखते क्या होता है। आप जरा पीछे होना, देखते आपकी इज्जत में क्या फर्क पड़ता है। भजन किस बात की जल्दी है आपको, ये आपको पता है ना ज़ेबरा क्रॉसिंग का क्या मतलब है, पता है या नहीं पता, फिर भी आप आगे जा रहे हैं। अच्छा जी, ये ज़ेबरा क्रॉसिंग के आगे जो आए हुए थे लोग उनको पीछे किया गया ट्रैफिक वार्डन्स ने और वायलेशंस यहाँ हो रही हैं, कानून शिकनी हो रही है ट्रैफिक वार्डन्स के सामने होने के बावजूद हो रही है, ये कमाल है। और उसके बाद अच्छा जी, ये तो जी ज़ेबरा क्रॉसिंग हो गई, इसकी तो वायलेशन कर रहे हैं लोग, सारे आम कर रहे हैं, आगे इधर आ जाए आपको पता है कि ये जगह गलत है, गलत महसूस से मुझे पहले नहीं, रेड से ग्रीन से पहले वो येलो होती है फिर रेड होती है। आप यहाँ खड़े हैं, कितना पड़े हुए हैं आप? बस 5 हजार पर पड़ा हुआ। मेहरबानी करें आप इनसे पूछ ले, इनका भी यही होगा। जी जी, अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या आप ज़ेबरा क्रॉसिंग पर खड़े हैं, पता आपको? इशारा बंद हो गया था। बंद हो गया, अच्छा जस्टिफाई कर रहे हैं कि इशारा बंद हो गया चूँकि इसलिए यहाँ रुक गए। बहरहाल रवैये, असल बात है जी रवैयों की, हमारे रवैये हैं ये असल में जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये साफ देखें,
हेलमेट गोद में रखा हुआ उन्होंने, उसने नहीं पहना। अच्छा, ये भी एक ट्रेंड चल पड़ा है कि हेलमेट लेके सामने रख देते हैं। हाँ जी, इधर आ जाए जी, आगे आ जाए। ये मैं पूछना चाह रहा हूँ आपसे लिया साहब कि ये हेलमेट जो सामने रख देते हैं, ये दिखा रहे थे कि हमारे पास हेलमेट मौजूद है लेकिन पहनना फिर भी नहीं है, जिद है। वो ये समझते हैं कि ये हेलमेट जो है ना, इसका फायदा यार शायद वार्डन को होगा, जबकि इसका फायदा वार्डन को नहीं है, उसको है, जिसने सर पे पहना हुआ है वो मरने से बचेगा। आप जस्ट एक सेकंड के लिए यहाँ पे फोकस कीजिए, कितने लोग हमारे खड़े हैं सामने दिखाएगा जी, और आप यहाँ पे लोगों का रवैया देखिए सामने सामने उस तरफ, वो वार्डन देखें बेचारे क्या कर रहे हैं उनके साथ, और ये लोगों की हालत देखें आप, वो देखें, ठीक है ना। अभी वो एट ए टाइम किस किस को रोकेगा, एक वार्डन वो बेचारा उनके साथ लगा हुआ है और उनको बार बार उनको पुश कर रहा है। लेकिन जब इसको पकड़ेंगे ना तो कहेगा जी मैं गरीब आदमी, मैं गरीब आदमी हूँ जी, मैं तो जी मेरी रोटी जी मेरा मसला है जी, मेरा फलाना मसला है। लेकिन वो ये नहीं कहेगा कि मैं गरीब आदमी खुद भी मर सकता हूँ और मेरे साथ चार बंदे और भी मर जाते। सर एक और चीज़, बच्चों को साथ बिठाकर जो लोग ट्रैफिक कवानीन तोड़ रहे होते हैं, अपनी जिंदगी के साथ साथ बच्चों को भी खतरे में डाल रहे होते हैं। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू, ऐसा ही है। अभी बदकिस्मती यही है हमारी कि हम लोग इस मॉब को यहाँ से खड़े होकर ये मॉब दिखाएं, इस मॉब को हम मैनेज कर रहे हैं। जस्ट दिखाएं जी, जरा दिखाइएगा ये, आप ये देखें जरा, इस तरफ देखें, इधर देखें, इधर देखें, सी दैट, ये दिखाएं। अरे इस बड़ा मसरूफ चौक है, ये बहुत मसरूफ चौक, हम इसको मैनेज कर रहे हैं। मेरे वार्डन चार बेचारे या पांच वार्डन क्या करें, ये देखें मौली साहब क्या कर रहे हैं जी। तो ये इस लोगों को हम मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है ना। इसमें स्वाये ये है कि अल्लाह, ये आप गौर कीजिए, ये अल्लाह के कर्म से बचे हुए हैं। वो देखिए कैसे रोक रहा है उसको, कि सिर्फ अल्लाह के कर्म नहीं तो टांगों में जाके मोड़ सकते। ये देखें मौली साहब ये बंदा क्या कर रहा है, तो ये लोगों को टांगों में मोटरसाइकिल मार देते हैं, गाड़ी मार देते हैं, बंदे जख्मी हो जाते हैं हमारे, मेरे बेशुमार वार्डन जख्मी हुए। हमारा प्रॉब्लम ये है बदकिस्मती से कि हम ये नहीं रियलाइज़ कर रहे कि ये वार्डन हमारी ज़िंदगी बचाने के लिए खड़ा है, इसका इस वार्डन को कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वी आर लीस्ट बॉदर्ड एंड वी आर लीस्ट। एक और चीज़, ये हेलमेट की वजह से बहरहाल है तो हिफाजत के लिए, लेकिन इसमें जो बच्चे हैं कम उम्र के हैं जिनके लाइसेंस नहीं बने हुए, वो इसमें छुप कर जो है वो निकल जाते हैं। सर मैं कहता हूँ चलो रोड पे तो वो आ गया ना, वो छुप के निकल जाए लेकिन गिरेगा तो मरने से तो बच जाएगा। पॉइंट ये है कि वो मरने से तो बच जाएगा ना कम से कम, लेकिन ये मरने से भी नहीं बचना चाहते, कहते नहीं हमने तैयार किया हमने मरना। हाँ जी, ये सिग्नल बंद हो गया है, अब हम यहाँ से सड़क क्रॉस कर सकते हैं और ज़ेबरा क्रॉसिंग पर ही सड़क क्रॉस करने की कोशिश करेंगे। ये ज़रा एक साहब हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, हेलमेट नहीं है आपके पास? नहीं जी। सर आप कानून तोड़ रहे हैं, पता है आपको, एक और से आप ज़ेबरा क्रॉसिंग पर खड़े हुए हैं, ये गलत बात नहीं है? गलत है, बिल्कुल गलत। तो फिर क्यों नहीं आप बात आते छोड़ देंगे? दुकान से आ रहा हूँ भाई। दुकान से आना जो है वो जायज़ है, उसमें कानून तोड़ सकते हैं? नहीं नहीं, कानून क्यों तोड़ना, तो कानून तोड़ रहे हैं ना। अच्छा, कानून नहीं तोड़ रहे हैं, आगे जाए जी आप जाए। बहरहाल ये मैं, लोग चूँकि यहाँ से गुजर रहे हैं, ट्रैफिक का दबाव है, तो हम इसलिए लोगों से, मैं जो रुके हुए हैं उनसे बात करने की कोशिश करता हूँ जैसे ही सिग्नल बंद होता है। कौन सा कानून तोड़ा इन्होंने जी? जी ये हेलमेट नहीं पहना इन्होंने, माल रोड पर हेलमेट अलाउ है। अस्सलाम वालेकुम जी, हेलमेट पता है आपको कि अलाउ नहीं है यहाँ, हेलमेट के बगैर चलाना मोटरसाइकिल चलाना है, फिर भी आप आ गए, बहुत बहादुर हैं आप। क्या ख्याल है, अब चलाना होगा आपका, रेडी है इसके लिए? अपना ड्राइविंग लाइसेंस और आईडी कार्ड नहीं है? गाड़ी के डॉक्यूमेंट दिखाएं। घर पर है। फिर आपकी गाड़ी को बंद करना पड़ेगा, कर दें आप बेटा, नीचे आ जाएं, नीचे आ जाएं, अपनी बाइक बंद करें। अब इनकी बाइक बंद हो जाएगी जी जनाब, जो कार्रवाई बनती है करेंगे, अगर कागजात नहीं है तो उनको थाने में। ये बेचारा अकेला है, वार्डन किस किस के साथ लड़ेगा? आप देखें लोगों का रवैया देखें, आप इंसाफ से पूछें। हेलमेट आपके पास दो हैं, सर पे पहन सकते हैं क्या? जनाब आपकी हिफाजत के लिए हेलमेट, तो फर्क पड़ता आपको कुछ? खुदा का खौफ, ये रवैया। दूसरा हेलमेट क्यों रखा हुआ है? इस काम के साथ हम लड़ बोल गया था, कल बोल गया था, तो आज लेने हैं।
तमाम इधर गरीब आ जाए। नाज़रीन, ट्रैफिक पुलिस सिर्फ चालान ही नहीं करती बल्कि रमज़ान मुबारक के महीने में इफ्तारी का अहतमाम भी करती है। यहाँ पर एक, मैं लिबर्टी में मौजूद हूँ, लिबर्टी चौक में यहाँ पर इफ्तारी का अहतमाम किया गया। सर, ये किन किन लोगों को इफ्तारी करवाई जा रही है और कितनी बड़ी तादाद में? जी देखिए, जितने लोग इस वक्त काबू आ गए ये तो उनकी मेहरबानी है, हमारे साथ इफ्तारी कर लेंगे ये। अच्छा। बस ऐसे ही समझ लें। इसका मकसद क्या है? जिस तरह ट्रैफिक वाले ढूंढ के चालान करते हैं ना, इसी तरह इफ्तार के वक्त हम ढूंढ के बंदों को पकड़ के बिठाते हैं, क्या इफ्तारी करें हमारे साथ। अच्छा, मुदावा हो रहा होता है ये? सर, मुदावा ही समझ लीजिए, बात ये है कि जो बंदा इफ्तारी हमारे साथ करेगा, ये असल में उसकी मेहरबानी है कि वो हमारे साथ इफ्तारी करे और वो हमें टाइम दे रहा है, ये वो हमें इज्जत दे रहा है बेसिकली, अगर वो हमारे साथ आता है। और हमें तो वी टेक प्राइड एंड वी टेक यू नो प्लेयर इन दिस थिंग, कि हमें खुशी होती है कि ये लोग जो है ना अफ्तारी कर रहे हैं और हम इनके साथ बैठ के इनको अफ्तारी करवा रहे हैं, तो इससे दिल खुश होता है। और साथ ये है कि तो साथ वो जो जैसे कोई अगर उलमा कराम हो ना, वो इफ्तार पे बुलाएं तो साथ साथ वो तबलीग भी कर रहे होते हैं, तो आप लोग भी ट्रैफिक कानून की तबलीग करते हैं साथ? हमारी तबलीग तो साथ साथ रोड पे चल रही होती है, इधर भी हमारी तबलीग तो साथ साथ चल रही होती है। हम यूनिफॉर्म वाले बंदे के पास देखे ना, दिस इज अ चेंज के लोग यूनिफॉर्म वालों के साथ बैठे हुए हैं और एक अच्छा एक यहाँ पे एक माहौल बन जाता है, जहाँ मर्जी हम इकट्ठे हो जाते हैं और लोगों को पकड़ के साथ बैठा ले, लोग मजबूत होता है। जी बिल्कुल जी, हमारा अपनी फोर्स के साथ भी और पब्लिक के साथ भी माशाल्लाह, और सारे लोग आप देख रहे हैं आपके साथ यहाँ पे रौनक लगी है माशाल्लाह। अभी हमने और इकट्ठे करते हैं, इधर से दाएं बाएं से देखे आ रहे हैं हमारे भाई, ठीक है ना, तो अभी और इकट्ठे करते हैं, लोगों से भी बात करते हैं लोगों से भी, और उनसे जानते हैं कि इस इनिशिएटिव को किस तरह से लोग जो है वो देख रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जनाब, यहाँ इफ्तारी करने आए हैं आप, ये किसकी जानिब से दी गई है? ये पुलिस वालों की। तो अच्छा अमला है, अच्छी बात है, अच्छी बात है। वैसे ही जिस तरीके से ट्रैफिक पुलिस काम कर रही है, आप मोटरसाइकिल चलाते हैं या गाड़ी वगैरह कुछ चलाते हैं? रक्षा चलाते हैं। कोई शिकायत हो आपकी, कोई मसला है, कोई परेशानी? नहीं, गलती तो अपनी होती है। गलती अपनी होती है? अच्छा, नहीं कोई बात नहीं, खुल के बता दें, कुछ नहीं होता। गलती अपनी होती है जब पूरी। वो गलती को सुधारता क्यों नहीं है लोग, इंसान क्यों नहीं सुधारता? लेकिन जब रक्षा लोडर इन्होंने निकाला है, उसका रूट नहीं पास कर रहे, वो किसने, अगर रूट पास नहीं होना था तो रक्षा निकालने क्यों दिया कंपनी को? बिल्कुल सही है। ठीक है, थैंक यू सो मच। आगे कुछ मजीद लोगों से भी बात करते हैं। इफ्तारी का अहतमाम जो है यहाँ पर लिबर्टी चौक में किया गया है। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम। आप क्या करते हैं जनाब? गाड़ी चलाता हूँ। अच्छा, ये बताएं, चूँकि आप गाड़ी चलाते हैं, ट्रैफिक पुलिस की तरफ से इफ्तारी का यहाँ तमाम किया गया है, कोई आपकी तरफ से कुछ शिकवा, कुछ शिकायत हो ट्रैफिक पुलिस से? नहीं सर, आज तो माशाल्लाह रोक के कि आप इफ्तारी करें। अच्छी बात है ये। जी बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन जो कवानीन है उनको तोड़ना जो है वो बढ़ता जा रहा है, लोग ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी बहुत ज़्यादा करते हैं, क्या वजह है? सर कम हो गया। डर है कैमराज का? सही है, जो ना ये चलान की वजह से बहुत ज़्यादा सख्ती है। तो डंडे के बगैर हम लोग मत सीखते नहीं है यानी कि? वैसे उसके बगैर फिर कोई भी नहीं सीखता, वो ये है कि सख्ती है। और पहले तो ये है कि वार्डन वाले खड़े होते थे तो डर होता था, अब तो खड़े हैं या नहीं खड़े तो रुकना है, कैमरे की आँख देख रही है, रुकना है। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम जनाब। आप समझते हैं कि कैमरों से कुछ बेहतरी आई है ट्रैफिक? बेहतरी आई। और क्या क्या इकदाम होने चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ अभी भी लोग सिग्नल भी तोड़ते हैं, हेलमेट के बगैर मोटरसाइकिल भी चलाते हैं। तो जवान लड़के जो होते हैं वैसे ही करते हैं, उनको समझाने वाले तो बड़े ही होते हैं ना, बड़े समझते नहीं ना, वो आज की नस्ल ही तेज है। हाँ बिल्कुल, ये हर दौर की नस्ल तेज रही है। चलो, थैंक यू सो मच। अच्छा कदम है इनका? बिल्कुल माशाल्लाह बहुत अच्छा। तो ट्रैफिक की आप खिलाफ वर्जी तो नहीं करते हैं? मैं मोटरसाइकिल चलाते हैं? नहीं, मैं गाड़ी चलाता हूँ। गाड़ी चलाते हैं, लाइसेंस है आपके पास? जी जी। सीट बेल्ट बांधते हैं? बिल्कुल। जबरदस्त, सीट बेल्ट नहीं बांधेंगे तो इफ्तारी नहीं मिलेगी तुम्हारा, ठीक है? आज भी इधर आज जिनके घर दूर है, इधर आज सीटीपीएल की तरफ से इधर इफ्तारी का इंतजाम किया गया है, इफ्तारी का टाइम होने वाला है, तमाम इधर गरीब आ जाए, जिनका घर दूर है इधर गरीब आ जाए, इधर हमारे साथ इफ्तारी करें सीटीपीएल के साथ, इधर आ जाए सर सीटीपीएल के साथ इफ्तारी करें, अगर घर दूर है आपका। वैसे आमतौर पर आप चालान करने के लिए रोकते हैं लोगों को, अब लोग जब ये एक तब्दीली है कि आप इफ्तारी के लिए रोक रहे हैं, कैसा रिएक्ट करते हैं? बहुत अच्छा रिएक्ट कर रहे हैं ये, अपना हमारे सीटीओ साहब जो हैं इन्होंने बहुत अच्छा एक वो एटमोसफियर पैदा किया है कि इधर इफ्तारी का अहतमाम किया जाता है
और लोगों को इकट्ठा करके जिनके घर दूर है उनको बुलाया जाता है कि इधर पास आए हमारे साथ इफ्तारी करें। अच्छा, अगर जिनको रोका आपने, किसी मोटरसाइकिल वाले के पास हेलमेट नहीं है, लाइसेंस नहीं है, इफ्तारी तभी मिल जाती है? जी सर बिल्कुल, इफ्तारी तमाम को मिलेगी। उन तमाम रिलीफ है जी इफ्तारी के टाइम, सबको रिलीफ है। ये खिदमत खलक है कि अल्लाह की खातिर सबको इफ्तारी करवाया जा रहा है और ये इंतज़ाम माशाल्लाह CTO साहब ने, मैं अप्रिशिएट करता हूँ CTPL पूरी CTPL टीम को जिन्होंने ये इफ्तारी का इंतज़ाम किया। सब गरीब लोग जो भी सड़क पे जिनके पास टाइम इंतहाई अच्छा जो इकदाम है ये ठीक है और CTO साहब की जितनी तारीफ की जाए वो कम है सर। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। कुछ मजीद हमारे जो भाई हैं ट्रैफिक वार्डन से, उनसे बात करते हैं। जरा आप इधर आइएगा जनाब। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं साहब? कैसे साहब, ये बताएं कि ये जितने से इफ्तारी का वक्त करीब आता है क्या कानून चिकनी बढ़ जाती है, लोग जल्दी में होते हैं, बेसब्रे होते हैं? बिल्कुल, वो तो आपको भी पता है कि लोग जल्दी में होते हैं और इफ्तारी का इंतज़ाम हर बंदे ने अपने घर में किया होता है या कहीं ना कहीं उन्हें जाना होता है, वो इस सूरत हाल में स्पीड में आगे पीछे निकलते हैं। लेकिन हमारी कोशिश होती है कि उनको ऐसा ब्रीफ किया जाए कि वो इफ्तारी के टाइम थोड़ा सा स्लो जाए, तो उनका कोई एक्सीडेंट ना हो। और ये इफ्तारी का इंतज़ाम जो सड़कों पर हम कर रहे हैं CTPL के, ये सारा इंतज़ाम ये इसीलिए है कि लोगों का जो भी मामला स्पीड में ओवर स्पीडिंग और स्पीड में जिनके पास इफ्तारी का टाइम नहीं है वो जल्दी जल्दी में निकलना चाहते हैं, उनके लिए इफ्तारी करवाएं। सबसे ज़्यादा रमज़ान में या आम तौर पर सबसे ज़्यादा कौन सा रूल जो है वो ब्रेक किया जाता है, तोड़ा जाता है, कानून शिकनी कौन सी की जाती है? कानून शिकनी तो वायलेशन तो आप थोड़ी बहुत तो पुकार ही लेता है, वो हर तरह की कोई ना कोई हो जाता है। मेरा मकसद कहने का ये है कि सिग्नल सबसे ज़्यादा तोड़ा जाता है, जो सीट बेल्ट है वो बांधी नहीं जाती, हेलमेट का इस्तेमाल नहीं होता, सबसे ज़्यादा कानून शिकनी क्या होती है? अभी हेलमेट 95% लोगों ने पहना हुआ है, 5% ऐसे लोग हैं जो नहीं पहनते, वो भी हम जब रोकते हैं तो उनको कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है, उनको मसला मसाइल होता है। बाकी गाड़ियों में सीट बेल्ट और ये मोबाइल फ़ोन ये तो बहुत कम हो गया, हर बंदा गाड़ियों वाला इसमें अमल कर रहा है। आप समझते हैं कैमराज की वजह से, ई चलान की वजह से कोई फर्क पड़ा है पहले से वायलेशन में? जी बिल्कुल पड़ा है, पड़ा है। लोग बेहतर, लोग कॉन्शियस हो गए हैं। अच्छा, लाइन लाइन की भी बंदी करते हैं, खड़े हो जाते हैं, स्पीड उनकी स्लो है सिर्फ इस वजह से कि कैमरे की आंख हमें देख रही है। जब ट्रैफिक ब्लॉक होती है हर बंदे की कोशिश होती है वो जल्दी से जल्दी निकले, अब एक ट्रैफिक वार्डन जो उनको रोकने की या वहां से हटाने की कोशिश कर रहा होता है बड़ा मुश्किल हो जाता है उसके लिए, प्रेशर होता है, हॉर्न्स की आवाज़ भी आ रही होती है, तो नफ्सियात पर बड़ा असर पड़ता होगा। यूज्ड टू हो गए अब हम, यूज्ड टू हो गए, ये डेली का काम है, कोई मसला नहीं होता हमें। कुछ शिकायत लोगों से जो आम जो मोटरसाइकिल रिक्शा गाड़ी चलाने वाले लोग हैं, आपको सबसे ज़्यादा जो शिकायत हो कि यार ये इनको हम समझा कर थक गए हैं लेकिन ये कानून शिकनी तोड़ते हैं, ख़त्म नहीं करते, कुछ शिकायत लोगों से? शिकायत यही है कि अपने हक को पहचाने, दूसरों के हक पे ना छीने आप, मतलब देखें लाइन लाइन की पाबंदी करेंगे तो सारा क्लियर है। ट्रैफिक पुलिस का सिर्फ 50% काम होता है, 15% 15% 100 में से, बाकी 85% आवाम ने खुद सड़क को इस्तेमाल करना है, सड़कें बोलती हैं उसको फॉलो करना है, लेकिन कोई भी नहीं करता फॉलो, करवाना पड़ता है। 70 साल उम्र हो गई है, उंगली से पकड़ के चलेंगे तो चलेंगे, ये अपने आप नहीं चलेगा। आपको आवाम से सबसे ज़्यादा कोई शिकायत हो कि यार ये चीज़ हम समझा के इनको थक गए लेकिन ये वाली कानून शिकनी करने से ये बाज नहीं आते, कोई शिकायत लोगों से? देखो हर बंदा ना जल्दी में है, वो कहता है जल्दी से जल्दी में आप पहुँचे, इफ्तारी का टाइम है, रमज़ान में तो बहुत ज़्यादा, इफ्तारी के टाइम तो बहुत ज़्यादा, और दूसरा वन वे का आजकल ज़्यादा बहुत ज़्यादा, क्योंकि हर जगह बाज़ारों में रॉन्ग पार्किंग का रश बन गया तो लोग खड़ी करके वो चले जाते, बहुत रिक्वेस्ट करते हैं, फिर मजबूरन हमें उनके खिलाफ कार्रवाई करनी पड़ती है। तो जब रोज़े का एंड टाइम होता है, जैसे अभी वक्त रोज़ा खुलने वाला है, तो आप ज़रा चश्मपोशी इख्तियार करते हैं कि चलो कोई बात नहीं यार जाने दो, देर हो रही है, कोई बात? चश्मपोशी इख्तियार करनी तो पड़ती है, मजबूरी है, क्योंकि आपको क्लियर करवाना पड़ता है, अगर आप उनकी तरफ तवज्जो रखेंगे तो आप रोड को क्लियर नहीं कर सकते। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया नाज़रीन। अब रोज़ा भी खुलने वाला है, इफ्तार होने वाला है, 2 मिनट रह गए हैं, जो आवाम है उनको यहाँ पर इकट्ठा भी कर लिया गया है और रोक कर यहाँ बाकायदा तौर पर रोक कर लोगों को लाया जा रहा है कि आएँ आप हमारे साथ रोज़ा इफ्तार करें। ये ट्रैफिक पुलिस की जानिब से ये इनिशिएटिव है कि यहाँ पर लोगों को इफ्तारी फराहम की जा रही है, एक लाइन लगी हुई है यहाँ मोटरसाइकिलों और गाड़ियों और रिक्शों की भी कि जो लोग यहाँ पर इफ्तारी कर रहे हैं, तो आइए हम भी इनके साथ इफ्तार करते हैं और उसके बाद कुछ मज़ीद बात करते हैं। नाज़रीन इफ्तारी का वक्त हुआ चाहता है और रोज़ा रमज़ान हमें जहां और बहुत सी चीज़ों का सबक देता है वहीं उनमें से एक सब्र भी है, तो ये सब्र हम आखिर ट्रैफिक में क्यों भूल जाते हैं?
हम जगह जगह देखते हैं कि लोग जल्दी में जल्दबाजी में सारे कानून को पामाल कर रहे होते हैं और इसमें अपनी ज़िंदगी के साथ साथ दूसरों की ज़िंदगी को भी खतरे में डाल रहे होते हैं। तो आज का ये प्रोग्राम एक कोशिश था कि अवेयरनेस पहुंचाई जाए आप तक, लोगों तक, आम लोगों तक। तो अब यहाँ जो एक इनिशिएटिव है कि आम लोगों को रोक रोक कर उन्हें इफ्तारी में लाया जा रहा है, ये एक अच्छा इनिशिएटिव है। जो ताल्लुक़ है वो मजबूत होता है आवाम और पुलिस के दरमियान। बहरहाल एक पैगाम के साथ कि हम आइंदा आने वाले दिनों में ट्रैफिक कवानीन की पाबंदी करेंगे, इसी पैगाम के साथ ज़ीशान मलिक को CTO जनाब लियाकत मलिक साहब और सारी जो टीम है हमारी, वार्डन्स हैं और जो अपनी ड्यूटी अंजाम दे रहे हैं और जो आवाम यहाँ मौजूद हैं, इन सबके साथ ज़ीशान मलिक को प्रोग्राम हम लोग से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।